मोदी सरकार भारत की धरती से तेल को क्यों नहीं निकालती और आखिर कैसे रशिया कर रहा है वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी और बीसीसीआई लता जी के लिए हर एक मैच में दो कुर्सियों को हमेशा खाली क्यों छोड़ता है और आखिर ये लड़का इस शोरूम में एक एक रुपए के सिक्के लेकर क्यों जा पहुंचा और आखिर मोबाइल की बैटरी फूलने क्यों लगती है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, रोजाना तेल की बढ़ती हुई कीमतों को देखकर सर चकरा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकेले भारत की धरती के नीचे ही इतना तेल मौजूद है जिससे यहां की सारी जनता की जरूरतें पूरी होने के बाद भी उस तेल को बड़ी मात्रा में बाहर के देशों में बेचा जा सकता है। ऐसे में सरकार ने भारत की धरती पर कुल 400 ऐसे पॉइंट्स को तैयार किया है जहां से तेल को निकाला जा सकता है, लेकिन फिर भी आखिर ऐसी वो क्या वजह है कि जिससे भारत की जमीन से तेल को निकाला नहीं जाता, क्यों हम दूसरे देशों से महंगे दामों में तेल खरीदने के लिए मजबूर हैं? तो आपको बता दें कि भारत की जमीन के नीचे से तेल निकालने के लिए कंपनीज को भारत सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है, जिसके बाद उन कंपनीज को उस जमीन में गहरा गड्ढा करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन और बहुत सारे वर्कर्स को लगाना पड़ता है। इस सारी प्रोसेस में बहुत सारा टाइम और कई करोड़ रुपयों का खर्चा आ जाता है, जिसके बावजूद भी इतना पैसा खर्चने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उस जगह से पेट्रोल निकलेगा भी या नहीं, जिसकी वजह से भारत की प्राइवेट कंपनीज तो इस तरह का रिस्क लेने से पीछे भागती है। अब ऐसे में मोदी गवर्नमेंट ने बाहर की कंपनीज को भारत में आकर तेल ढूंढने की पेशकश की, लेकिन उसमें भी बड़ी समस्या ये है कि बाहर की कंपनीज को भारत से निकाले जाने वाले तेल पर डायरेक्ट 20% का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि अगर उन्होंने 1 अरब रुपए का तेल निकाला तो उन्हें भारत सरकार को उसी वक्त 2 करोड़ रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, अब चाहे उस कंपनी का वो सारा तेल बिके या नहीं। यही वजह है कि बाहर की कंपनीज भारत के तेल के कुओं की तरफ देखती तक नहीं। अब इसके बाद बचती है सिर्फ और सिर्फ भारत की सरकार की सरकारी कंपनियां। ONGC जो पिछले कई सालों से भारत के इन 400 पॉइंट्स में से 15 जगहों से तेल निकालने का काम कर रही है और भारत की टोटल 20% तेल की खपत की आपूर्ति ये कंपनी ही करती है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि भारत की इस सरकारी कंपनी ने अपना लगभग सारा पैसा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के शेयर्स को खरीदने में लगा दिया और अब उसके पास सिर्फ 900 करोड़ रुपए का फंड ही बचा है। इतने पैसे में उन कुओं से तेल निकालना तो दूर, तेल को ढूंढने वाली मशीनरी भी खरीदी नहीं जा सकती। अब भारत के लिए जल्द से जल्द अपनी जमीन से तेल निकालना इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि अरब कंट्रीज अपनी मनमानी करते हुए तेल के दामों को बढ़ा दी जा रही है और वहीं दूसरे कंट्रीज से अपनी बात मनवाने के लिए तेल की सप्लाई रोकने की धमकियां भी देती है। ऐसे ही 1940 में उन्होंने अमेरिका के तेल की सप्लाई को पूरी तरह से रोक दिया था, जिसकी वजह से उस समय वहां पर तेल की कीमत 400 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गई थी, जिसके बाद अमेरिका को अपनी धरती से ही तेल को ढूंढकर निकालना पड़ा और आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल निकालने वाला देश बन चुका है। अब ऐसे में भारत ने भी अपनी जरूरत के हिसाब से कुल 90 दिनों के तेल को स्टोर करके रख लिया है और भविष्य में अगर इनमें से कोई देश भारत के तेल पर रोक लगाता भी है तो इतने दिनों में तो भारत अपने उन 400 कुओं में से तेल को निकाल ही लेगा, जिसके बाद तेल की कीमत भी बहुत कम हो जाएगी। नंबर 2, जहां रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, वहीं अगर बात की जाए इसकी जनसंख्या की तो यहां पर सिर्फ 14 करोड़ लोग ही रहते हैं, क्योंकि यहां के पुरुषों और महिलाओं में एक ऐसी समस्या को देखा जाने लगा है जिसके चलते यहां पर बहुत कम बच्चे ही जन्म ले रहे हैं और यही कारण है कि यहां पर रहने वाले ज्यादातर लोग बूढ़े ही हैं। अब आधी से ज्यादा जनसंख्या के बूढ़े हो जाने की वजह से यहां के मिलिट्री और आर्मी के साथ साथ सभी वर्कफोर्स में भारी गिरावट आ रही है। इतना ही नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी के कम होने की वजह से भी दूसरे देशों के लोग भी यहां आकर बसना नहीं चाहते, जिसके चलते अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए रशिया छोटे देशों पर कब्जा करने की फिराक में है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो रशिया जल्द ही तीसरे विश्व युद्ध को जन्म देगा। नंबर 3, तमिलनाडु के एक बाइक शोरूम में मौजूद सभी वर्कर्स तब दंग रह गए जब वहां पर एक लड़का बाइक खरीदने के लिए 1-1 रुपए के कई सारे सिक्के लेकर पहुंचा। वी भूपाथी नाम का ये लड़का एक मोटरसाइकिल को खरीदना चाहता था जिसकी कीमत थी करीब 2,60,000 रुपए और इस लड़के ने पूरे 3 साल लगाकर 1-1 रुपए के इन सिक्कों को इकट्ठा करा और पूरे 2,60,000 रुपए के इन सिक्कों को लेकर एक बाइक शोरूम में जा पहुंचा। वहां मौजूद सभी वर्कर्स को अपने सारे कामकाज को छोड़कर पूरे 12 घंटे का समय लग गया इन सारे के सारे सिक्कों को गिनने में। नंबर 4, बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं कि बीसीसीआई इंडिया में होने वाले हर एक मैच के दौरान लता जी के सम्मान में 2 सीट्स को हमेशा खाली छोड़ता है। दरअसल 1983 में इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी बीसीसीआई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने क्रिकेट टीम को पैसा दे सके। ऐसे में लता मंगेशकर जी ने 20 लाख रुपए इकट्ठा कर बीसीसीआई को दिए और इंडियन क्रिकेटर्स को सम्मानित किया। इसके बाद से ही बीसीसीआई भारत में होने वाले इंडिया के हर एक इंटरनेशनल मैच में लता जी के सम्मान में 2 कुर्सियों को हमेशा खाली छोड़ता है। नंबर 5, दोस्तों आप भी कभी न कभी अपने मोबाइल की बैटरी के फूल जाने की समस्या से परेशान जरूर हुए होंगे, लेकिन आखिर इसका कारण क्या है? तो आपको बता दूं कि स्मार्टफोन के अंदर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। इस बैटरी के अंदर कुछ ऐसे लिक्विड मेटल्स मौजूद होते हैं जिन्हें चार्ज करने पर इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होने लगता है और ये केमिकल रिएक्शन इस बैटरी के अंदर एक तरह की गैस को प्रोड्यूस करने लगता है। वैसे तो इस बैटरी को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि थोड़े थोड़े समय के बाद इसके अंदर से वो गैस अपने आप रिलीज होती रहे, लेकिन अगर किसी कारण की वजह से इस बैटरी में से वो गैस बाहर निकलना बंद हो जाती है तो ये गैस उस बैटरी को देखते ही देखते फुलाना शुरू कर देती है। नंबर 6, किसी भी शॉपिंग मॉल के चेन
चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने से पहले उसके मिरर को एक बार चेक जरूर कर लें। उस मिरर पर उंगली रखने पर अगर आपकी उंगली और मिरर में दिखने वाली उंगली के बीच में गैप है तो ये इस आईने के रियल होने का सबूत है। लेकिन वहीं अगर आपकी और मिरर में दिखने वाली उंगली के बीच में गैप नहीं है तो इसका मतलब है कि ये एक वन साइड मिरर है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि उस मिरर की दूसरी तरफ से कोई भी आपको कपड़े बदलते हुए देख सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।